Hi everyone, good morning guys. Happy weekend to everyone. Today is Sunday and yes, it's Valentine's Day, but as of now we have not planned anything. Pata nahi shayad nothing special because पता नहीं क्यों पर शायद कुछ स्पेशल नहीं करने वाले हैं हम लोग आज. और यस, अभी मैं मॉम के घर पे हूँ एंड नाश्ते की तैयारी हो रही है. मैं दिखाती हूँ आपको नाश्ते में आज क्या क्या बना रही हूँ मैं. सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऑनियन का पकोड़ा. बेसन ले लिया है, ऑनियन है इधर, मसाला एंड यहाँ पे बन रहा है घुगनी. बिकॉज आज सबको घुगनी मूरी पकोड़ा वगैरह खाना था तो मैंने सोचा चलो यही बना दिया जाए. एंड चाय वगैरह हो चुका है हमारा, बस यही सब कर रहे हैं. सो बहुत शिद्दत के बाद, बहुत मेहनत के बाद बन चुकी है मेरी घुगनी एंड पकौड़ा. यस सॉरी, वहाँ पे फॉग है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है. एंड अब हम लोग इंजॉय करेंगे संडे का स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट. नाश्ता हो गया एंड ये रूम पे आने के बाद पीकू को बहुत ज्यादा मिस करते हैं यार. कब आएगी मेरी पीकू? आई थिंक शी विल कम आफ्टर 4-5-6 डेज. तो ये रूम में पीकू का बहुत सारा अटैचमेंट है क्योंकि मैं जब भी आती थी वो खेलते रहती थी ऐसे, मतलब उछलते रहती थी. बहुत अच्छा फील होता था यार. और अभी बहुत सुना सुना सा लगता है, बट कोई नहीं, नानू के घर भी जाना जरूरी है ना. हेलो तनु, और यार इस तनु आ जाओ आ जाओ. नाली खाना वाना नाश्ता, ओके वेरी गुड. तो अब चलते हैं चाय बनाते हैं. चाय पियोगी का? नहीं पियोगी? वैसे तुम लोग का स्कूल कब खुलने वाला है ब्रो? और आप देख सकते हैं मेरे पति देव को, देव पति को. वो अभी आए हैं एक्चुअली, वो घर पे थे. क्या कर रहे थे? नहा रहे थे और क्या क्या कर रहे थे पता नहीं. और मेरा बेल्ट वगैरह सब वहीं पे था. मैं मॉम के घर पे ही ना आई बट बेल्ट सब वहीं पे था. तो वो लेके आए बेल्ट, लिपस्टिक, आईलाइनर. थैंक यू सो मच. अनु नहीं है ना तो आईलाइनर वगैरह वो सब लेके चली गई है. और अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ मिल्क बिकॉज मॉम बोली मिल्क पी लो, बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया है. तो वही सो तैयार हो चुकी हूँ मैं बिकॉज ऑफ द लाइट. बिकॉज हम और अभी ऐसे ही बस राउंड मार के आएंगे बिकॉज मतलब संडे है तो सोचा चलो थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं. एंड अच्छा भी लगेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा. वैसे भी कंप्लीट वीक तो हम लोग घर में ही रहते हैं, कभी कभी घूमने जाते हैं तो इट्स बेटर ना एटलीस्ट वीकेंड को थोड़ा सा इंजॉय कर ली थोड़ा सा. एंड आप देख सकते हैं इस बंदे को, ये सोया हुआ है. मैं बोल रही हूँ चलो 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 ना बेबी कम. सो हॉल सेट टू गो. कहाँ पे लेके जा रहे हैं? एयरपोर्ट. एयरपोर्ट, ओके. तो एयरपोर्ट का वीडियो आने वाला है बट वो मैं सेपरेट से बनाऊंगी फॉर श्योर क्योंकि इससे में ही वो इट विल बी लाइक हॉज पॉज तो वो सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा. बट लेट्स सी वहाँ पे वो लोग बनाने देते हैं या नहीं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा राइट. ये इंसान मुझे रेडी करके ले आया, बोला चलो एयरपोर्ट घुमा के लाते. और आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है बंदा, आइसक्रीम. और ये मिस्टर बिजी बिजी इन मोबाइल. चलोगे? श्योर. सो हमारा एयरपोर्ट तो कैंसिल हो गया बट आज वैलेंटाइन डे है तो अभी ने मुझे बोला चलो मैं तुम्हें पूरा देवघर घुमा के लाता हूँ. बहुत बार हम लोग देवघर घूमे हुए बट ऐसे ही वीकेंड है तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है क्या वैलेंटाइन डे है घूमने जाना या और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोग ऑलमोस्ट हर वीकेंड में घूमने जाते हैं तो बस नॉर्मली आज फिर से हम लोग घूमने जा रहे हैं. अभी अपना फोटो ब्लॉगिंग कर रहा है एंड यूं ही इंजॉय कर रहे हैं. कहीं पे कुछ मिलेगा खाने पीने को तो खा पिएंगे और वापस घर चले जाएंगे. तो घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं रंगा मोड़ साइड एंड आई थिंक देवघर से 6-7 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम लोग. बस ऐसे ही घूम रहे हैं, देखते हैं और कहाँ तक जाना होगा हमारा.
चलते चलते हम लोग यहाँ बिग बाजार के पास आ चुके हैं एंड अभी आई डिसाइडेड टू ईट पाव भाजी एंड आई एम गोइंग विथ सम पानी पूरी एंड चाट. ओके थैंक यू. सो हियर इज माई चाट पाव भाजी. मैं चाट खा के बताती हूँ आप सबको कैसा है. अच्छा है बट नमक कम है. नमक कम है तो ऊपर से ले लो, लेना पड़ेगा. तो चाट खा लिया मैंने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था एंड अब आई थिंक हम लोग घर जाएंगे शायद, आई एम नॉट श्योर क्योंकि और तो अभी कुछ खाने का मन नहीं है. लेट्स सी, घर चलोगे आप? ओके तो अब घर को जाना है. यही था हमारा वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन. बैक टू होम. और अभी मॉम जा चुकी है घूमने के लिए, क्या कर सकते हैं यार, आई हैव टू बी अलोन फॉर सम टाइम्स. एक्चुअली मॉम मुझे भी बुला रही थी बट आई थॉट मैं कुकिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा एंड मैं फिर से लाइव नहीं आ पाऊंगी एंड आई डोंट वॉन्ट टू यू नो बी लेट और लाइव नहीं आना क्योंकि मुझे लाइव आना है आज. तो फटाफट से मैं कुकिंग कर लेती हूँ. वैसे अभी जस्ट 5:25 हुआ है तो 1 आवर में पूरा कुकिंग वगैरह हो जाएगा, तब तक मॉम भी आ जाएगी एंड देन डिनर विनर करके हम लोग चले जाएंगे. ऐसा था हमारा वैलेंटाइंस डे आज का. ऐसा कुछ भी नहीं यार, नथिंग स्पेशल. अभी और हम साथ में रहते हैं सो एवरी डे इज़ वेरी स्पेशल, तो एवरी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल डे में स्पेशल सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ करना चाहिए बट आज मूड नहीं था एंड यू नो आज ब्लैक डे भी है तो वी थॉट चलो रहने दो. और वैसे भी आज हम लोग का भी मूड थोड़ा ऑफ है तो थोड़ा सा वी थॉट चलो रहने दो नेक्स्ट टाइम. एंड मैंने कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी किया था दोनों के लिए मैचिंग मैचिंग टी शर्ट बट वो भी डिलीवर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं. चलो कोई नहीं, मैं खाना वाना बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे. सो अभी बज रहे रात के 8 और हम लोग सब कोई जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और यहाँ पे ट्रैफिक जाम यार, मतलब बहुत बेकार है ये एरिया में हमेशा ट्रैफिक जाम. कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे. ट्रक को भी एकदम जल्दी रहता है, ऑटो को भी जल्दी रहता है, कार को भी जल्दी रहता है और बस को एकदम हमेशा रॉन्ग साइड में ही आना होता है. कांट डू एनीथिंग. और देखते हैं कहाँ पे जाते हैं हम लोग. वैसे जाएंगे और चाय वाय पी के आ जाएंगे. यार यहाँ का गंदा सा ट्रैफिक देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. मतलब यहाँ पे ट्रैफिक होने का कोई बात नहीं है बट ट्रैफिक होना ही होना इस जगह में, पता नहीं क्यों. बिकॉज सबको कोई रॉन्ग साइड लेता है यार हमेशा. ट्रैफिक का रीजन है ना, यहाँ पे गली छोटा है. और हाँ वो जो गली है ना वो बहुत छोटा है, कुंडा वाला जो है और टर्न लेना पड़ता है तो इधर से गाड़ी इधर से गाड़ी इधर से गाड़ी, सो दैट इज अ रीजन. चलो कोई नहीं, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और यार इस छोटू जो कि हमारे साथ जा रहा है, आए बोलो छोटू. तो चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं. कहाँ जाना है वैसे गाइस? हम लोग आए हैं चोपा मोड़ और जस्ट चाय पी रहे हैं और तो कुछ भी नहीं. खाना पीना तो मैं बना के आई हूँ एक्चुअली, वो ये लोग बोल रहे हैं डिनर के लिए बट खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो यू नो वो वेस्ट हो जाएगा और मॉम भी डांटेगी हम लोगों को, इसीलिए बस चाय पी के जाना पड़ेगा. और वो लोग बाहर मेरा दे, अच्छा वो लोग कहीं चले गए शायद, तो बस चाय पी के और चलते हैं घर, डिनर करना है और उसके बाद लाइव आना है. सो ये है हमारा आज का डिनर, आलू की सब्जी, बीन्स चटनी, आलू कटहल की सब्जी, चावल एंड दाल. तो चलिए अब खाते हैं खाना और उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ. ओके सो गाइस आ चुके हैं रूम पे एंड डिनर हो गया है हमारा और बस बैठ चुके हैं हम लोग लाइव के लिए. सारा अरेंजमेंट कर रहा है मिस्टर अविनाश आर्या. तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपने इतना देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, इट इज़ फ्री. तो आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम. बाय गाइस.